नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना खान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं झांसी की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में आज चारों ओर सियासी वातावरण गर्म रहा, क्योंकि आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने थे और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कोई भाजपा के प्रत्याशी की जीत का कयास लगा रहा था तो कोई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का कयास लगा रहा था। लेकिन 3 बजे दोपहर तक जब अन्य दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं पहुंचे तो भाजपा के प्रत्याशी को निर्विरोध झांसी जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। आपको बताते चलें कि झांसी में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी पवन गौतम ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इस प्रकार भाजपा के पवन गौतम को निर्विरोध झांसी जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक दबाव के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाया है। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की नहीं बल्कि प्रशासन की जीत है। इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि अन्य दलों के पास जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन ही नहीं था, इसलिए वे नामांकन में शामिल नहीं हुए। उनका प्रशासन पर आरोप लगाना निराधार है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झांसी स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसी प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास करेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी करा है, जो ज्वाइन बातचीत कर रहे हैं, उस उम्मीद पे हम आज हमारा बना है। हमको लगता है कि हमारी हर हालत और इतने सारे सदस्य मेंबर अभी बने हैं, सबके सब भाजपा ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ना ले चुकी है। निर्वाचित हुआ हूँ और कुछ ही क्षणों में हो सकता है सरकारी घोषणा भी हो जाएगी। और हमारा प्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं जिस तरीके से झांसी नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, हम भी झांसी जिले को स्मार्ट गाँव बना करके और जल संरक्षण और पर्यावरण, इन दो चीज़ों के साथ में हम गाँव में शुद्ध वायु, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपने माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं गांव गरीब किसान के लिए, उनके लिए मिलकर हम काम करेंगे। अभी तक जो है जो जिला पंचायतों में सपा का सर आरोप है कि आपने उनके प्रस्ताव को पुलिस के कस्टडी में करा दिया, इसलिए वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। बिल्कुल निराधार आरोप है। वो लोग क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, सदस्यों को जलाने धमकाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो रणनीति कामयाब नहीं हुई उसको लेकर बौखला रहे हैं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।